मैं मुंबई में थी, स्ट्रगलिंग पीरियड था मेरा, और हमारे घर में हर थर्सडे श्रीखंड और पूरी बनती है। हर महाराष्ट्रियन फैमिली में एक श्रीखंड पूरी और बटाट्याची भाजी ऐसे करके एक मेन्यू रहता है जो हमेशा बनता ही रहता है। तो हर थर्सडे हमारे घर पे वो बनता है। तो थर्सडे की दोपहर को मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा पापा क्या खा रहे हो, तो बोले थर्सडे के दिन क्या बनता है घर पर, तो मैंने कहा श्रीखंड पूरी और बटाटे की सब्ज़ी, तो बोले हाँ वही खा रहा हूँ। तो बोले कितना अच्छा है ना कि आप सब वो वहाँ पर खा रहे हो, और तो तुमने क्या खाया, तो मैंने कहा कुछ नहीं दाल चावल खा लिया ऐसे करके मैंने बोल दिया। और मेरे दिमाग से गई थी वो चीज़ क्योंकि हम इमोशनल रहते हैं। बाद में एक डेढ़ साल के बाद कभी मेरा घर पे थर्सडे के दिन होना हुआ कि मैं थर्सडे के दिन पापा के साथ हूँ, और मैंने कहा यार ये क्यों नहीं बना है, श्रीखंड पूरी और बटाटे की सब्ज़ी क्यों नहीं बनी, उसके बाद मैंने खाई है बहुत बार, तो पापा क्यों नहीं खा रहे। तो बोले एक बार तुम्हें पता है तुमने दोपहर को फ़ोन किया था, तो मैंने बोला हाँ। तो बोले डेढ़ साल तक मेरे पापा ने श्रीखंड पूरी और बटाटे की सब्ज़ी नहीं खाई थी क्योंकि मेरी बेटी वहाँ पे नहीं खा रही है तो मैं क्यों खाऊं। सो ये भी एक इंसिडेंट है, मैं कभी लाइफ में भूल नहीं सकते, इट्स वेरी इमोशनल एंड टचिंग। मैंने एक बार एक स्वाद करके चॉकलेट आता था और मेरे पापा ने ऐसे बोला था कि एक धागा है वो लेके आना, तो धागा नॉर्मली 2.5 रुपये का वो मिलता है, तो मेरे पापा ने मुझे 5 रुपये दिए थे और बोले कि वो धागा लेके आ जाओ, और मैं गई और धागा लिया तो वो स्वाद करके चॉकलेट की गोली दिखी, तो वो 4 गोली 1 रुपये में मिलती थी, तो मैंने कहा हाँ तो 1 रुपये की गोली भी दे दो, और 3.5 रुपये में से जो 1.5 रुपये बचा था मैंने पापा को दे दिया और बोला कि पापा उसने 3.5 रुपये में धागा दे दिया, क्योंकि मैं बता ही नहीं पा रही थी पापा को कि यार मैंने वो स्वाद करके, तो बोली वो बोले 2.5 रुपये का मिलता है तो ये 3.5 रुपये का कैसे मिला। तो पापा को लगा कि मेरी बच्ची को किसी ने तो भी मतलब फंसाया है, तो मुझे जाके चेक करना पड़ेगा। तो जैसे ही दुकानदार के मैं करीब 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 आते जा रही थी तो उसने से दुकानदार ने पूछा कि ये धागा कितने का दिया आपने, तो बोला 2.5 रुपये का, और सिर्फ पापा ने मेरी तरफ़ देखा, मेरी आँखों की तरफ़ देखा और वो बोले ठीक है ये 1.5 रुपये हैं, 1.5 रुपये के चॉकलेट्स और दे दो। मतलब कैसे बताऊँ, उन्होंने तो पकड़ लिया था पापा ने, लेकिन सिर्फ वो चॉकलेट दे दी और बोले तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग लेना, लेकिन भी बिना बताए ऐसे कभी मत करना, बिना डांटे हुए जो उन्होंने कहा था। और लाइफ में उसके बाद मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पापा से बिना बताए की वो। मुझे बचपन में ना एक आदत थी, मैं कोई भी नई चप्पल खरीद लूँ अगर किसी के घर पे गई तो वहाँ पे छोड़ के बिना चप्पलों के घर पे आ जाती थी। तो दिवाली का दिन था और दिवाली के दिन पे मैंने अगेन नए सैंडल्स जो मेरे नए ड्रेस के ऊपर मैचिंग थे ऐसे पापा ने खरीदे थे, वो सैंडल्स मैं कहाँ पे गुम करके आई। बाद में वो सैंडल्स नहीं मिल रहे तो पापा ने पूछा सैंडल्स कहाँ है, तो बोले मुझे नहीं पता कोई चोरी करके लेके गए, तो घर से कैसे चोरी करके लेके जाएगा। फिर उन्होंने पूरे बिल्डिंग में, हम बिल्डिंग में रहते थे, तो पूरे घरों में जाके चेक करवाया कि सैंडल्स है कि नहीं, देखो, तो नहीं मिले पापा। और जो उन्होंने मुझे मारा, मतलब इतना मारा कि तुम कैसे चीज़ों का ख्याल नहीं रख पाती, और ऊपर से इतना मारा, मतलब लिटरली मेरे पापा कभी मारते नहीं हैं लेकिन पता नहीं उस दिन क्यों इतना, और बोले कि बिना चप्पल के ये लड़की घूमेगी, और 8 दिन तक मुझे बिना चप्पल के स्कूल में वगैरह उन्होंने बोला कि अभी बिना शूज़ के जाओ, उसको एक भी चप्पल नहीं मिलेगी, तभी उसे अहमियत समझ में आएगी कि चप्पल खुद की चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए।